तो आज मैं बनाने जा रही हूँ विंटर स्पेशल चाय अदरक अदरक इलायची की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो ये देखिए एक सॉसपैन ले रखे हैं, IH कप है, तो ये कप से मैं 2 कप दूध डालूंगी इसमें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये दूसरा कप है ये, तो ये कप मैं डाल रखी हूँ। ये देखिए, तो दूसरे कप भी मैं डाल दे रही हूँ। इसमें 1/2 कप पानी डालेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 1/2 कप पानी डाल दे रही हूँ। तो ये देखिए 1/2 कप हो गया, ये 1/2 कप डाल दे रही हूँ इसमें दूध में। अब इसे गैस पे चढ़ा देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं गैस ऑन करके ये दूध चढ़ा रखी हूँ। थोड़ा सा इसमें उबाल आने देती हूँ, तो चाय पत्ती डालूंगी। तो ये देखिए, मैं एक अदरक का छोटा सा टुकड़ा ले रखी हूँ 1 इंच का, इसे मैं कूट लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दूध में उबाल आ गया। इसमें मैं एक छोटा सा पत्ती डाल दे रही हूँ छोटी वाली चम्मच से। तो ये देखिए, छोटी वाली चम्मच से 1 चम्मच चाय पत्ती डाल दे रही हूँ इसको उबालने। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैं थोड़ी सी चीनी डाल दे रही हूँ। ये देखिए, छोटी वाली चम्मच से मैं डाल दे रही हूँ, खाने वाले चम्मच से 1 चम्मच है। हम लोग ज्यादा मीठा चाय नहीं पीते, थोड़ा कम ही पीते हैं, तो अपना अंदाजा से डालिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये 2 इलायची ले रखी हूँ, ये अदरक है, तो इसे कूट लेती हूँ, कूट कर चाय में डालेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसे कूट लिए हैं। ये देखिए, इसे डाल देते हैं चाय में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये डाल दे रहे हैं चाय में, इसे चला देंगे, इसे 2 से 3 मिनट तक के पकाएंगे इसे चाय। ये देखिए इस तरह से विंटर स्पेशल चाय है। सर्दियों में तो चाय जानते करते पीते ही बहुत है सारे, क्योंकि इससे थोड़ा ठंड कम लगती है चाय पीने से, शरीर में गर्मक थोड़ा आ जाता है। तो ये देखिए, चाय पीने से शरीर में भी थोड़ा राहत मिलती है ठंडी में। इसे पकने देते हैं 1 से 2 मिनट। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चाय मेरा पक गया है। अब इसे छान लेते हैं। तो देखिए, 2 से 3 मिनट हो गया है, गैस को ऑफ कर देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, चाय को मैं छान ले रही हूँ।